नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेडो डायरीज के इस वीडियो में। एंड आज 15th ऑफ अगस्त है और रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे हुए, और रिसेंटली लगभग 1.5 घंटा पहले मैंने संदीप महेश्वरी सर का एक इंटरव्यू देखा रिसेंटली एक चैनल को उन्होंने दिया हुआ था। और इन दैट इंटरव्यू उन्होंने बताया लगभग यूट्यूब से उनको लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा है हर महीने, और डेफिनेटली हो भी रहा होगा क्योंकि उनका जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जिस तरीके से कैलकुलेशन बैठता है, तो डेफिनेटली इतना उनको हर महीने होता होगा। कुछ दिनों पहले लगभग कुछ दिनों नहीं, लगभग 1.5 साल पहले जब YouTube के प्रोटोकॉल्स आए थे कि भाई आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो उसको हम मोनेटाइज कर लेंगे, 1,000 से कम भी सब्सक्राइबर हैं तो हम उसमें एड्स चलाएंगे और एड्स के पैसे हम रखेंगे जब तक आपका चैनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अचीव करके आपको इनकम देने जितना नहीं होता। इन दैट केस संदीप सर शायद थोड़ा कंफ्यूज थे, क्या करे कैसा करे, क्योंकि उनकी एक शर्त रहती है कि भाई जब मेरे वीडियोस चल रहे होते हैं तो मुझे बीच में एड्स नहीं पसंद है। एड्स नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि अगर बीच में एड्स आते हैं तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है। कुछ भी एड्स आता है तो उनका जो लेक्चर चल रहा होता है या फिर उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, बिटवीन दैट कोई एड आता है तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन बिगड़ता है, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, एंड अगेन कंसंट्रेशन वापस लाओ, फिर उसमें एंगेज हो, फिर थोड़ा देर चलेगा, फिर कोई ऐड आ जाएगा, तो ऐसा चलता रहता है जिसके कारण उनको अपने वीडियोस पे एड्स लगाने पसंद नहीं है। इन दैट सिचुएशन उन्होंने क्या किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके पास ऑलरेडी था तो उन्होंने पहले जाके अप्लाई किया फॉर मोनेटाइजेशन, वहाँ से मोनेटाइजेशन हो गया और उसके बाद अपने चैनल का मोनेटाइज उन्होंने अपने पास से ऑफ कर दिया। उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनको ये ज्ञान दिया था और ये काम भी कर गया। एवरीथिंग इज फाइन, मुझे ठीक है, जैसा भी है उनकी पर्सनल लाइफ है ये है, लेकिन डेफिनेटली उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ मैं, उनको देखता हूँ, समझता हूँ, लाइफ लर्निंग्स बहुत शानदार हैं उनकी, लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दिया। जस्ट अभी इंटरव्यू में मैंने देखा कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीने का लॉस वो सह रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे संदीप महेश्वरी टीवी के नाम से कोई प्रोजेक्ट है उनका, जहाँ पे उनके सारे मोटिवेशनल वीडियोस रहेंगे जो लाइफ लॉन्ग के लिए रहेंगे, और उसमें उनका बहुत सारा पैसा लग रहा है, एंड आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी अच्छी खासी एज भी है, आई थिंक वो +50 तो होंगे ही, 45-50 के आसपास होंगे, प्लस होंगे। इतना सब होते हुए भी इतना बड़ा लॉस हर महीने सहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मीन्स 1.5 करोड़ रुपए हर महीने का लॉस सहना इज रियली बिग हर्ट वाली चीज़ है। मुझे समझ में नहीं आता, मीन्स देखिए लाइफ इतनी अनफॉर्चुनेट है, लाइफ इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारी सिचुएशन में, बहुत सारे इंसिडेंट में हमारी लाइफ की बेस मैं बोल सकता हूँ कि हम सबसे ऊपर ना रखें, लेकिन सेकंड नंबर पे ज़रूर रख के चलना पड़ता है मनी। बिना पैसे के ऑलमोस्ट कुछ भी, ऑलमोस्ट क्या, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब लगा, और बहुत सारे डेफिनेटली इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारा हेट भी मिलने वाला है, बिकॉज थंबनेल उनका देख के डेफिनेटली कुछ लोग वीडियोस देखेंगे और उसके बाद
गालियां भी बकेंगे, लेकिन आप गाली बको चलेगा, हेट स्पीच दो कमेंट्स में चलेगा, लेकिन अंदर से सोचना कि क्या इतना बड़ा लॉस हर महीने करने जैसा है। मींस आप कितने भी बड़े आदमी को देख लो, कितने भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, महीने की करोड़ों रुपए इनकम है, उसके बाद भी वो सोचता है यार कि एटलीस्ट मैं और बना लूं और तैयार कर लूं कि बुरे समय पे मेरे पास कुछ रहे, बुरे समय पे मेरे को किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं समझता कि क्या हो जाए। मींस और ये जो पिछले 2 साल गए हैं कोरोना के, ये अलग लाइफ लर्निंग दे के गए हैं पूरी पब्लिक को। सो वट एवर इट इज, मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा, लेकिन यस पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर, इतना बड़ा लॉस आप ले रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, तो शायद वो भी कहीं ऐसी राह ना पकड़ लें कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहना या फिर ऐसा नहीं करना। ये पर्सनली उनका मैटर है, डेफिनेटली मेरा मैटर भी नहीं है, लेकिन यस पर्सनली मेरी जो राय है वो ये ज़रूर है कि हाँ हमको एक डिसेंट अमाउंट अपने पास रखना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा लॉस हर महीने रियली नॉट एक्सेप्टेबल। कैसे आप करते हो ये आप ही जानो, बट कोई और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत कमाते हैं और उसके बाद भी वो एटलीस्ट इतना बड़ा तो लॉस, इतना बड़ा क्या, वो लॉस सहते ही नहीं है। यू आर अ पर्सन विद अ ग्रेट हार्ट जैसा भी हो, लेकिन यस ये जो इंटरव्यू देख के मुझे लगा, आपने कुछ दिनों पहले कैलकुलेशंस भी बताई थी 40-50 लाख रुपए तक का, डेफिनेटली अब बढ़ गया होगा, बढ़ता ही है। व्हाटएवर इट इज, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।